और तूने कहाँ पहुंचा दिया हमें? आप अंदर आइए, बैठ के बात करते। अरे मेरी जूती जाती है तेरे घर के अंदर। और बात सुन, मैं कल अखबार में दे रहा हूँ इश्तेहार कि मैंने तुझे आंख किया। ठीक है, आपको जरा भी अंदाजा है मैं कितने मुश्किल वक्त से गुजर रहा हूँ? तो ये मेरी वजह से हुआ है? मैं तेरी वजह से पूरा खानदान अजाब भुगत रहा है? अब्बा शादी की है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। ना आप समझते ना कोई और समझता है, 10 मिनट अपनी बीवी के साथ नॉर्मल तरीके से बात नहीं कर पा रहा हूँ मैं। हर वक्त रोती रहती है, कभी ये मसला कभी वो मसला, मेरा बस चलता है कहीं चला जाऊं या किसी को मार दूं। अबे तो मुझे मार दे, सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। मैं आपकी बात नहीं कर रहा यार। अरे सालार, अबे जा कहां रहा है? मैं तुझसे मिलने आया हूं, अपना ही घर छोड़ के जा रहा है। अबे इस तरह मसले दौड़ी आ लोगे? अबे बावने, नालायक औलाद निकली हमारी। बेटा खाना लगा दूं क्या? नहीं आंटी, मुझे भूख नहीं है, मैं बस चाय पीऊं। चलो ठीक है। समझ नहीं आ रहा यार, जब से शादी हुई है जिंदगी अजाब हो गई है भाई। ये तो शादी करने से पहले सोचना था मेरे दोस्त। मुझे वदीमा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसका बाप हाथ धो के पीछे पड़ गया हमारे यहाँ। मुझे तो पहले दिन से पता था उसका बाप है ही नफ्सियाती, तुझे ना पहले से तैयार रहना चाहिए था इस सब के लिए। अरे पता नहीं क्या मुसीबत है यार, उसका बाप चाहता क्या है? कोई इज्जत तक कैसे जा सकते है? मेरी समझ नहीं आता, मैं कैसे समझाऊं उसे? सालार, दोस्त होने के नाते तुझे एक मशवरा दूं। और मैं यहाँ क्यों आया हुआ? देख मुझे लगता है तुझे ना फतिमा के बाप से एक बार आराम से सुकून से बात करनी चाहिए। कोर्ट कचहरी के चक्कर में उम्र निकल जाएगी, अब कहाँ तक पेशियां भुगतता रहेगा फतिमा के साथ? तो मैं कितनी बार बात करूँ, कितनी बार मिलूँ उससे जाके? इस बार मैं फतिमा के साथ भी जाके मिल गया, अब और नया क्या बताएगा वो मुझे? उसको समझ ही नहीं आ रहा, वो सुनने ही नहीं चाहता कुछ। फिर तो तेरा अल्लाह ही हाफिज़ है मेरे भाई। मुझे अपनी फिक्र नहीं है यार, वदीवा बहुत एहसास है, वो अपने माँ बाप को मनाना चाहती है, वो चाहती है हमारी सुना हो जाए। लेकिन पता नहीं उसका बाप क्या चाहता। वदीवा हर छोटी छोटी बात पर रोना शुरू कर दी, बस उसकी परेशानी नहीं दिखी जाती। ऊपर से ये सारा शहर हम दोनों को ऐसे ट्रीट करता है जैसे हमने उनके घर में कोई चोरी की हो, जैसे हम कुछ लेके भाग गए उनके घर से। अच्छा अच्छा, तू अपने गुस्से को कंट्रोल में रख और भाभी का ख्याल रख। और लोगों का क्या है यार, उनको तो टॉपिक चाहिए बात करने के लिए। आज तू है, कल कोई और होगा। पता नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो रिलैक्स कर, मैं चाय लेकर आता हूँ।